सरसा के अंदर फर्जी फर्मों का जाल बिछा हुआ है। करोड़ों रुपए का चुना उनकी तरफ से सरकार को लगाया जा रहा है। आबकारी, कारादान, इनकम टैक्स के अधिकारी उनके साथ मिले हुए हैं, जो फर्जी फर्मों से मोटी काली कमाई हो रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारियों के साथ वो मिलकर उनको प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट करके प्रॉफिट दिलवाया जा रहा है उनकी प्रॉपर्टियों काली कमाई में। सरकार के द्वारा दिनांक 10/3/2021 को सरसा के अंदर एक अप्रूव्ड कॉलोनियों की लिस्ट जारी की जाती है और उस लिस्ट के अनुसार सरसा के अंदर अग्रसेन कॉलोनी का बहुत बड़ा भाग, मोता गार्डन, मेला ग्राउंड, गोविंद नगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, कीर्ति नगर और बहुत सी पुरानी कॉलोनियों को अनअप्रूव्ड घोषित करते हुए उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है सरकार के नियमों के अनुसार। और जो प्रक्रिया है अप्रूव्ड कॉलोनियों के अंदर एनडीसी लेने की, वो इतनी जटिल बना दी है कि आम आदमी को अपनी अप्रूव्ड क्षेत्र की एनडीसी लेने के लिए भी महीनों नगर परिषद में धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन नगर परिषद के द्वारा पदम बंसल की पारिवारिक प्रॉपर्टी जो हिसार रोड पर है 4840 गज, जो सरकार की अप्रूव्ड कॉलोनियों की लिस्ट में नहीं है, बगैर किसी नियम के, बगैर किसी प्रावधान के, उसको अनअप्रूव्ड से अप्रूव्ड किया जाता है, अवैध से वैध किया जाता है, अनऑथराइज से ऑथराइज किया जाता है, अनाधिकृत से अधिकृत किया जाता है और उसको बाज़ार में करोड़ों के मुनाफे पर बिकवाया जाता है। इस सारे मामले की हमने जांच की मांग करी आज मुख्यमंत्री महोदय से। हमने मांग करी है कि जो अप्रूव्ड कॉलोनियों की लिस्ट सरकार द्वारा जारी की गई है, जिसके अनुसार शहर के इतने बड़े क्षेत्र को अनाधिकृत घोषित किया है, अवैध घोषित किया है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए और पुरानी व्यवस्था के अनुसार रजिस्ट्रेशन का काम हो और नए सिरे से शहर का सर्वे करवाया जाए। क्योंकि या तो अधिकारी नियमों को छुपाकर काम कर रहे हैं, जिन नियमों से ये काम हो रहा है वो नियम सारे सार्वजनिक किए जाएं। किन किन अधिकारियों की मिली भगत आप मानते हैं? ये नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा एनडीसी जारी की गई है ऑथराइज की, उन्हीं के हाथ का काम है और नगर परिषद के साथ पास ये सारी पावर है। अब जांच में ही ये बात साबित होगी कि नगर परिषद के अधिकारियों की क्या फर्जी फर्मों के साथ मिलीगत करके उनकी प्रॉपर्टियों में अधिकारियों का निवेश है, या सिर्फ वो उनसे कमीशन ले रहे हैं, या ये बड़े नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं। अगर जिला प्रशासन के अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं तो इनको दबाव में कौन दे रहा है? क्या विधायक गोपाल कांडा जी इन पर दबाव दे रहे हैं या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाले जी दबाव दे रहे हैं? ये सारे मामले जांच में खुलासा होगा। अवैध हो गई है इस अनुसार, फिर आगे उनका क्या प्रोसीजर है? क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च कर रखा है मकान बनाने में, लाखों की बात करें, पूरी पूंजी उन्होंने लगा रखी है, कैसे फिर वो बात बनेगी? क्योंकि हमारी यही मांग है कि जो सूची इन्होंने जारी करी थी वो अव्यवहारिक थी। शहर के पुराने क्षेत्र को इन्होंने अवैध घोषित कर रखा है। अग्रसेन कॉलोनी से पुरानी कोई कॉलोनी नहीं है, वो बहुत पुरानी कॉलोनी बसी है, उसका बहुत बड़ा भाग अनाधिकृत है। लेकिन जब बड़े रसूखदार लोगों के मामले आते हैं तो सारे नियम साइड में लगाए जाते हैं, बगैर किसी नियमों के चीज़ों को किया जाता है। हम इसी मामले की जांच को लेकर आज मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं कि अगर नियम लागू है तो ये नियमों में छूट क्यों विशेष लोगों को? वो लोग जिन पर पूरे हरियाणा की विजिलेंस जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, पुलिस पूरे देश में जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, उस समय उनकी प्रॉपर्टी को अवैध से वैध करके बाजार में बिकवाया जाता है। ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का खेल है। जो प्रावधान है, या तो टाउन प्लानिंग के द्वारा एनओसी जारी की जाएगी या जिला प्रशासन नगर परिषद के द्वारा एनडीसी जारी की जाएगी। और इन नियमों में किस प्रकार का भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, पिछले एक महीना पहले एनडीसी के एवज नगर जिला टाउन प्लानिंग के द्वारा एनओसी के एवज में 50,000 रुपये मांगने का ऑडियो स्टिंग हमने प्रशासन को दिया था, उसकी जांच की मांग की थी, आज तक वो जांच नहीं हुई है। और ये उसका दूसरा भाग है कि नगर परिषद में किस प्रकार से भ्रष्टाचार है, कितने बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है। अगर एक प्रॉपर्टी अवैध है, अमान्य है, अनाधिकृत है, तो उसकी बाजारी कीमत जो है वैध होने के बाद वो 2 से 3 गुना हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वैध और अवैध के खेल में कितना मुनाफा हुआ, कहाँ कहाँ बटा, ये सारे जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे। अब आगे क्या स्टेप रहेगा? हमें नहीं विश्वास कि ये नकली भ्रष्टाचारियों की सरकार, नकली ईमानदारों की भाजपा सरकार,
या ये जो हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, क्योंकि ये अधिकारी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, ये एक रिकवरी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जो जनता का खून पसीना चूस रहे हैं। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इस सारे मामले को लेकर हम सरसा की जनता की अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत में सारे तथ्य रखेंगे, इसके ऊपर जनता सरसा की जनता फैसला करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से लिस्टें बनती हैं, शहर की कॉलोनियों को बंद किया जाता है, सरसा की जनता ने अपनी बात रखने के लिए 31 नगर पार्षद चुने हुए हैं, विधायक जी चुने हुए हैं, सांसद जी चुने हुए हैं, लेकिन ना तो 31 पार्षदों ने ये बात रखी कि जनता ने हमें वोट दिए थे ये एरिया वैध है, ना विधायक जी ने कभी कहा है जी ये एरिया अग्रसेन कॉलोनी जैसा क्षेत्र जो बहुत पुराना बसा वो अवैध कैसे हो गया। नहीं, आज हम मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है, अब ये केस जनता की अदालत में हम लेकर जाएंगे। जनता का और हमारा कोई अपॉइंटमेंट तो है नहीं, हम जब मर्जी जनता की अदालत में जाएंगे।